सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। जगदलपुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में कर्मचारी अधिकारी संगठनों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी समस्याओं और मांगों पर विचार विमर्श कर बताया कि फेडरेशन के प्रांतीय निकाय की ओर से निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि मई में सभी जनप्रतिनिधियों को प्रदेश के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, सातवें वेतमान में गृह भाड़ा भत्ता तथा चार स्तरीय पदोन्नत वेतमान की मांगों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जून में चरणबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। शर्मा जी की अध्यक्षता में समस्त संभाग स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों संगठनों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांग महंगाई भत्ते की शेष 9% बकाया किस्त और सातवें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता तथा चार स्तरीय पदोन्नत वेतन मांग की प्रमुख मांग को लेकर विचार विमर्श एवं चर्चा की गई। इसके साथ ही वही मासमुंद में दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इनके डर से गांव में एक परिवार ने जान बचाकर अपने आप को घर में बंद कर रखा है। राजस्व के अधिकारियों की लापरवाही के चलते गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पिछले 28 अप्रैल को सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव में एक घर में पत्थरबाजी कर हमला किया था। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने युवक के घर सहित ट्रैक्टर कार में तोड़फोड़ की, जिसके बाद से युवक ने परिवार सहित अपने आप को घर में बंद कर लिया। जानकारी के मुताबिक राजस्व बंदोबस्त ने त्रुटि सुधार के वक्त चार लोगों के नाम पटवारी नंबरों में दर्ज किए थे, जिसे रक्सा गांव में आम निस्तारी जमीन बता रहे हैं। एक प्रकरण जो है वहां पर विचाराधीन है, जिस पर लेकर गांव में जब विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी तो वहां SDM साहब और SDOP साहब और थाना की जो टीम है वहां जाकर गांव में इस विवाद का निराकरण कराया था तथा उक्त प्रकरण की जांच के माध्यम से निराकरण किए जाने का प्रयास इसमें जारी था। बीच में कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है आपसी कुछ बात को लेकर वहाँ पर पथराव वाली स्थिति निर्मित हुई थी, जिस पर तत्काल जो है रातों रात वहाँ पर जो हमारे SDM साहब भी हैं, SDOP साहब भी है, गांव पहुँचे थे और जो पीड़ित जो पटेल परिवार जो कि पीड़ित परिवार है उसको भी हमें सुरक्षा देते हुए थाने तक हम लेके आए थे और जो गाँव के लोग हैं उनकी भी पूरी रात मीटिंग लेकर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि जो मूलतः जिनका बताया गया था कि ये जो पटेल परिवार के सदस्य के द्वारा जो है किसी बालक को पत्थर मारा गया, जिसके विरोध में फिर कुछ लोगों ने पत्थर मारा और इसमें लगातार जा रहे और समझाइश दे रहे, FIR की कार्रवाई भी की जा रही है, किंतु उसमें जो आवेदक है उनके द्वारा FIR न करने के कारण कार्रवाई थोड़ा नहीं हो पा रही थी, लेकिन लगातार मेरे SP साहब से भी बात हुई है। जो भी परिवार है उसको जो भी सुरक्षा है वो प्रदाय की जाएगी और पूरी व्यवस्था की जाएगी और इस तरह से जो कानून हाथ में लेके काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वैधिक कार्रवाई करते हुए जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसका कार्रवाई की जाएगी। हमारे घर के चारों तरफ पत्थरबाजी और कांच फेंक रहे हैं, हमारे घर के सामने ट्रैक्टर, गेट, दरवाजा, मोटर आदि को पत्थर फेंक कर बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे ब्यारा के दो ट्यूबवेल के मोटर को चुरा के ले गया है। वही जगदलपुर में बस्तर फार्मर क्रॉसर एग्रो ग्रुप के नेतृत्व में 10 टन इमली तैयार हुई है, जो कि उत्पाद के लियोनाटाइड स्टेट अमेरिका रवाना हुई। बता दें कि बस्तर सांसद ने सप्तिक लोईगुड़ा के बस्तर फार्मर क्रॉसर ग्रुप एग्रो में तैयार हुई इमली से बनी उत्पाद को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस दौरान मौके पर सांसद अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे।
वहीं जगदलपुर के ब्लॉक के दो स्थानों पर आयोजित मड़ई में रेखचंद जैन शामिल हुए, साथ ही माता गुड़ी निर्माण का भूमि पूजन भी किया। माता गुड़ियों में एकत्रित सैकड़ों ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के बीच जैन ने मड़ई में आए देवी देवताओं की भी पूजा की, देवलाट डोली और शत्रों के साथ बाजार की परिक्रमा भी की। उन्होंने नेगीगुड़ा में जिला खनिज न्यास संस्थान के द्वारा निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया। वहीं बीजापुर में पंचायत भर्ती में अनियमितता बरतने पर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी पर गाज गिर गई है। कलेक्टर बीजापुर ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने पर वीरेंद्र कुमार दुबे को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि सहायक ग्रेड दो भूमि संरक्षण अधिकारी को पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत में संलग्न कर शिक्षक पंचायत भर्ती स्थापना एवं जिला पंचायत स्थापना शाखा का प्रभार दिया गया था। जांच इनके बारे में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी, तो ये संदीप शुक्ला सहायक शिक्षक पंचायत के भर्ती के संबंध में, तो उनके द्वारा जब हमारी जांच टीम जिला पंचायत से गठित की गई थी, उनके द्वारा ये निष्कर्ष पाया गया कि इसमें जांच में कुछ विसंगतियां हैं। साथ में इसमें जो टीम में चयन टीम में जो लोग थे उससे संबंधित भी कुछ। वहीं बीजापुर में हरा सोना कहने वाले तेंदूपत्ता की तोड़ाई चालू हो गई है, जिसका आज दूसरा दिन है। इस दौरान लोगों में काफी खुशी भी दिखी। बता दें कि बीजापुर का तेंदूपत्ता एशिया का उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। बता दें कि तेंदूपत्ता बस्तर के ग्रामीणों का साल में एक बार फिर आय बढ़ाने का मुख्य स्रोत है, जबकि पिछले साल तेंदूपत्ता को लेकर बोनस के लिए लोग खुश दिखे। पत्ता अच्छा है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन ऊपर बारिश के वजह से रुक भी सकता है, या तो फिर बारिश के वजह से नहीं रुकने से और अधिक मात्रा में से पत्ता तोड़ सकते हैं। तो 700-800 तक, तो 700-800 गड्ढी तक तोड़े थे जी, इस बार तो उससे ज़्यादा तोड़ पाएंगे। हम लोगों को तो मेहनती लोग इसी से आश्रित रहते हैं, हर साल तेंदूपत्ता से हम लोगों को बहुत सारा। आखिर किस तरह से भूमिका निभाती है और किस तरह चुनौतियां रहता है? क्योंकि जब भी बात करते हैं आमदनी का एक मुख्य स्रोत हरा सोना माना जाता है, लेकिन इसके लिए कितनी किस प्रकार की परेशानियां होती हैं इनसे बात करनी। सबसे पहले हम आपका अपना नाम बताइए। गीता। ये पत्ते टुड़ाई चालू हुआ, कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है या नहीं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब क्या लगता है इस बार सबसे ज्यादा पत्ता काटेंगे? पिछले बार कितना काटे थे लगभग? काटे हैं जब। इस बार अच्छा पत्ता मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। मिल रहा है ना, पैसा मिला था ना पिछले बार? हाँ। बोनस मिला है आप लोगों को? बोनस नहीं मिला। नहीं, कल्याण ब्लॉक में मात्र 3 दिन ही पत्ता खरीदी की गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। हाल ये है कि ग्रामीणों ने 2-3 दिन जंगलों से तेंदूपत्ता संग्रहित किया और अगले दिन पत्ता बेचने पहुंचे तो उन्हें पत्ता चला खरीदी बंद कर दी गई। संग्राहकों से कहा गया कि तेंदूपत्ता खरीदी का दिन खत्म हो गया है, जिसके बाद से ग्रामीण इस जानकारी से परेशान होने लगे और मुड़ामी को सैकड़ों संग्रहालयों ने अपनी समस्या बताई, साथ ही उचित पहल भी की। हम लोग दंतेवाड़ा जिला के कटकल्याण ब्लॉक अंतर्गत कुरीरास पंचायत में फड़ मुंशी है यहाँ के जी। सर मैं, क्या नाम है आपका? सुरेश मंडल। हाँ बताइए क्या हुआ आप लोग? मैं इसी पर का मुंशी हूँ। हाँ तो हम लोग दंतेवाड़ा जिला के कटकल्याण ब्लॉक अंतर्गत कुरीरास पंचायत में इंजे बोनस ही दुर्कता Yeah.
वहीं दंतेवाड़ा में एक बार फिर से ट्रेन के बेपटरी होने का मामला सामने आया है। मालगाड़ी ट्रेन में लोहा अयस्क से भरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक बचेली से विशाखापट्टनम की तरफ जा रही मालगाड़ी भरी हुई थी। बचेली रेलवे स्टेशन में 1 किलोमीटर आगे मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी के एक डब्बे में तकनीकी खराबी के चलते रेलगाड़ी बेपटरी हो गई। वहीं बीजापुर के उसूर तहसील से जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी क्षेत्र की समस्या के बारे में कलेक्टर को बताया और साथ ही 7 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और सोसाइटी में राशन वितरण अनियमितता की शिकायत करते हुए अपने पंचायत में नल जल योजना के साथ पेंशनधारी लोगों को पेंशन नहीं मिलने की भी बात कही। का आवेदन से उन्होंने गली रोड का मांग किया है और बोरिंग का मांग किया है। जैसे बता रहे थे इसमें लाल पानी आता है, ये बताए हैं, और बैंक का समस्या है, साथ में पेंशन का राशन का भी शिकायत किए हैं। तो मैं टीम भेज के जिला पंचायतियों के नेतृत्व में और परीक्षण कराऊंगा जो जरूरी काम है। वहीं दंतेवाड़ा में नेरली धुरली वाटर प्रोजेक्ट के लिए शासन प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अधिकारियों ने इस योजना को फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों को 2 से 3 महीने ही पानी मिलता है, लेकिन अब ग्रामीण शुद्ध पानी की आस में खड़े हैं। आपको बता दें कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि जब पुल तोड़ने का काम किया जा रहा था उस कार्य क्षेत्र में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।